ओके दोस्तों, तो अभी तक तो हमने बात की बेसिक बिजनेस ओवरव्यू के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि बेसिक बिजनेस की फाउंडेशन कैसे होती है, क्या विजन होता है, क्या सोच होती है उसके पीछे, किस तरीके से बिजनेस को मार्केट में लाया जाता है और किस तरीके से अपने ब्रांड को प्रमोट किया जाता है मार्केट में। ये एक बेसिक बिजनेस ओवरव्यू है। और अब थोड़ा सा जान लेते हैं मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग के आइडियोलॉजी के बारे में, मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। देखिए, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, किसी की बुक पढ़ेंगे, कहीं पर भी आप रिसर्च करेंगे, तो आपको मार्केटिंग की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, क्योंकि हर एक इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है मार्केटिंग को लेकर के। इसलिए हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती है मार्केटिंग को लेके। कोई भी एक परफेक्ट डेफिनेशन आपको मार्केटिंग की नहीं मिलेगी कि बस यही एक डेफिनेशन है मार्केटिंग की। कोई कहता है कि मार्केटिंग इज़ ब्रांड अवेयरनेस, कोई कहता है मार्केटिंग इज़ पिचिंग ऑफ योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स, कोई कहता है मार्केटिंग इज़ पोजिशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। मतलब किसी के लिए वो डेफिनेशन गलत हो सकती है, किसी के लिए वो डेफिनेशन सही हो सकती है, क्योंकि मार्केटिंग को हम लोग एक छोटी सी एक डेफिनेशन में उसको समराइज नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि सपोज़ कीजिए आप अपनी डेली लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, सपोज़ आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं आसपास, मैं अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ ये कि आपको नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपने देखा और आप इंटरेस्टेड हो गए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि कोई भी नई मूवी रिलीज़ होने वाली होती है, राइट, तो उससे 2-3 महीने पहले ही उसका ट्रेलर रिलीज़ हो जाता है। आपने उसको सर्च भी नहीं किया, आपको वो चाहिए भी नहीं था, आपको पता भी नहीं था ऐसा कुछ आने वाला है, लेकिन फिर भी जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ होता है आपको पता चल जाता है। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आप छुट्टियों पे हो, आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि भाई ये उस एक्टर की ये नई मूवी उस तारीख को रिलीज़ होने वाली है, जबकि आपने उसको सर्च भी नहीं किया ना वो आप मूवी देखने वाले हो, फिर भी आपको उसके बारे में कैसे पता चलता है। अब कितनी चीज़ों से आप लोग घिरे हुए हो लाइफ में आसपास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से थके आ रहे आए शाम को और आपने सोचा कि चलो यार यूट्यूब पे देखते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट सर्च करते हैं। तो बेसिकली आप सर्च तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, एक नया ट्रेलर आ गया आपके सामने, एक एडवर्टीजमेंट आ गई। आपने देखा, अच्छा यार ये इसकी मूवी आने वाली है, फर्स्ट सोर्स तो ये है, आपको पता चल गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लग गया। एक हो सकता है कि आप अपने घर पे आए शाम को, आपने देखा टीवी ऑन किया और वहाँ पर आपको एक नया ट्रेलर मिल गया, आपको पता चला अरे भाई अक्षय कुमार की मूवी नहीं आने वाली है, बड़ी अच्छी सी लग रही है, ट्रेलर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सपोज कर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, आपने रेडियो ऑन किया और वहाँ पर आपको पता चला कि अच्छा इस एक्टर की नई मूवी आने वाली है। आपको दोस्तों से पता चल गया कि यार चल रहा है उस दिन मूवी देखने, आपने कहा कौन सी मूवी, अरे यार उसकी एक मूवी रिलीज हुई है, अच्छा फिर आपने फिर से सर्च किया देखो जरा कौन सी मूवी है। तो कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें पता लग जाती हैं। अब ये पता कैसे चलती हैं, या फिर कोई नया गाना आता है आपको पता कैसे चलता है। मैं आपको रिसेंटली कहानी बताता हूँ, मैं गया था गोवा अभी रिसेंटली, और गोवा में मैं किसी क्लब में गया शाम को और वहाँ पर नए 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 गाने चल रहे थे। अब मुझे गाना सुन के एक बड़ा अच्छा लगा, मैंने पूछा अपने फ्रेंड से यार ये कौन सा गाना है, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। फिर उसने बताया कि अच्छा ये वो वाला गाना है, तो मुझे पता चल गया वो कौन सा गाना है। अब उसको कई बार मैं सुन लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो गाना। तो इस तरीके से चीज़ें मार्केट होती हैं। एक होता है कि कंपनी ने खुद अपना प्रोडक्ट बनाया, एंटरटेनमेंट कंपनी है मान लीजिए, उन्होंने कोई भी मूवी बनाई, कोई भी गाना बनाया, कुछ भी किया, उन्होंने अपने हर प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हुए उन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके थ्रू, प्लस डिजिटली उसको बहुत प्रमोट किया, यूट्यूब पे किया, फेसबुक पे किया, जो भी आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया उस चीज़ को। तो क्या हुआ, लोगों को उसके बारे में पता चल गया। अब लोगों को जब पता चला तभी तो वो मूवी देखने गए, वरना वो क्यों जाते। ऐसी कितनी साल में मूवीज़ आती हैं जिन जो रिलीज़ होके कब की थिएटर से अलग हो जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो किसकी वजह से मूवी देखने जा रहे हो आप, पहले उसकी मार्केटिंग हो रही है तभी तो आप जा रहे हो उस मूवी को देखने, वरना क्यों जाते। ऐसी दुनिया में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारी सर्विसेज हैं जो सिर्फ मार्केटिंग की वजह से ही बिक रही हैं, वरना उसका और कोई सोर्स नहीं है बिकने का। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो लोग उसे क्यों खरीदेंगे, और अगर लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं तो फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, और बिकेगा नहीं तो कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली मोटा मोटा समझे
तो यही मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट और सर्विस को सही लोगों तक पहुंचाना ताकि वो उसे परचेज करें। अब वो चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मेथड ले लो, टीवी एडवर्टाइजमेंट का मेथड ले लो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का मेथड ले लो, ये सारी चीज़ें करके लोगों तक पहुँचाओ, या फिर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। अब सबसे बढ़िया बात क्या है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की, पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपको अगर 100 रुपये से भी शुरू करनी है अपनी मार्केटिंग, सिर्फ 10 लोगों को बताना है कि भाई ये मैं चीज़ कर रहा हूँ और मुझे 10 लोगों को बताना है और सिर्फ 100 रुपये खर्च करने हैं, आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। आपको कोई भी बड़े बड़े टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग में जाओगे तो आप अपना वो ऐड तो लगा लोगे, फ्रंट पेज पे भी लगा लोगे न्यूज़पेपर के, या फिर आप न्यूज़पेपर पे पैम्पलेट्स भी बंटवा लोगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? हो सकता है कि आप कितनी सारी चीज़ें, तो आपकी आपका आधा पैसा तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने करके देखी है, मुझे पता है कि आपको, मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, पड़पड़गंज में है, तो मैं क्या चाहूँगा कि दिल्ली के लोग या फिर गाज़ियाबाद के लोग वहाँ पर आएँ और मेरे कोर्स में एनरोल हों। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई दूर दूर के, जो मुझे पता है कि वो लोग नहीं यहाँ पर पहुँच सकते, तो वो मैं उनको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू मैं वहाँ तक अपना मैसेज क्यों पहुँचाऊँगा? इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन माई बिजनेस ऑब्जेक्टिव के मुझे अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ किस तरीके से लेके जाना है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उसी के लिए ये भी एक मार्केटिंग ही है जो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पर, यानी कि मैंने अपना ये जो डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स निकाला है ये उन लोगों के लिए निकाला है कि जो लोग मेरे फिजिकली मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर के मुझसे 1-on-1 नहीं सीख सकते, उनके लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स निकाला है कि आप जो हैं मेरी वीडियोज़ को देख देख करके ऑनलाइन ये सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। और उनमें से जिन लोग, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे कोर्स में आने के लिए, वो मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। मैंने लिंक दे दी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपना नाम ये सारी चीज़ें फिल करके आप हमें सेंड कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ मार्केटिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक पता चल गया होगा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस ओवरव्यू के बारे में, और अगली वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शो मी योर सपोर्ट। और अगर आपका सपोर्ट मुझे इस तरीके से मिलता रहेगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग और कॉरपोरेट सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके ऊपर मैं कई सारी वीडियोज़ इस चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करना शुरू करूंगा। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ओनली ऑन www.inspiredvices.com, और वहाँ पर आप हमारे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, तो आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपकी कई सारी जो कॉरपोरेट प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें सेंड कर सकते हैं onlyoninfo@inspiredvices.com। साथ ही साथ हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते।